जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ये सवाल मेरी पत्नी की तरफ से है। हम 15-16 दिन पहले आए थे, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने एक सवाल भेजा है। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके चरणों में मैं दासी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मैं यह जानना चाहती हूँ, जैसे ठाकुर जी को प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगाया जाता और अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग चीज़ों का, जैसे गाजर मसूर की दाल इत्यादि, गुरु जी हमारे श्री संप्रदाय में प्याज लहसुन के अलावा किस चीज़ का भोग नहीं लगाया जाता? लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते और मसूर की दाल का भी प्रयोग नहीं होता, गाजर का भी प्रयोग नहीं होता, परंतु कुछ लोग गाजर का प्रयोग कर लेते हैं, बाकी मसूर की दाल और लहसुन प्याज इनका प्रयोग, लहसुन प्याज तो नहीं ही होता पर मसूर की दाल का प्रयोग भी नहीं होता। जी गुरु जी आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, बच्चों को भी पत्नी को। जी राधे राधे गुरु जी, खुश रहिए। खड़े हो जाए बच्ची को। राधे राधे महाराज जी। जी जी महाराज जी, शिव जी क्या खाते? आप उस दिन कह रहे थे कि शिव जी कथा का नशा करते हैं, पर मैंने बचपन से सुना है कि वो भांग धतूरा ये सब खाते हैं। भांग धतूरा कोई खाने की चीज है? नहीं मतलब उनका नशा है एक प्रकार का। नहीं शंकर जी को आपने किसने, आपको किसने बताया कि भांग धतूरा का नशा है उनको? मैं सॉन्ग में सुनती हूँ और ये पार्वती माता पीसती रहती हैं। अरे वो तो कुछ भी आप सुन लें, यथार्थ में ये है कि शंकर जी क्या हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे। शंकर जी के हृदय में कौन बसता है? भगवान राम, भगवान कृष्ण। शंकर जी नशा करते हैं किसका? हलाहल जहर का। जहर पीते हैं शंकर जी? क्या पीते हैं? जहर। जहर पीते हैं और जहर पी करके कंठ में रखते हैं, हृदय नहीं ले जाते हृदय तक, क्योंकि हृदय में सीताराम विराजे हैं। तो भगवान सदा, शंकर जी सदा भगवान के चिंतन, भगवत चिंतन के नशे में रहते, भगवान का ध्यान ध्यान। जैसे मीराबाई कृष्ण के नशे में थी, गोपियाँ कृष्ण के नशे में, हनुमान जी राम जी के नशे में रहते हैं, ऐसे ही शंकर जी भगवान के नशे में रहते हैं। भांग वांग नहीं खाते ना धतूरा चढ़ती है, भांग धतूरा चढ़ता है शंकर जी को, परंतु गांजा वांजा शंकर जी को चढ़ाते लोग चढ़ाने वाले, पर वो गांजा थोड़ी पीते हैं शंकर जी। पर शिवरात्रि में तो इसका सेवन किया जाता है। आप गांजा पीती हो? नहीं आप कह रही हो शिवरात्रि में तो किया जाता है। नहीं हम लोग की तरफ ना वहाँ भांग का सेवन किया जाता है ऐसा कुछ, मतलब जो तो भांग नशेड़ी लोग भंगेड़ी लोग पीते हैं पीने वाले, हम तो नहीं पीते शिवरात्रि में भी भांग वांग। आप पीती हो? कोई नशा नहीं करती हूँ। फिर तो फिर कैसे कह रहे हैं आपके भांग पी जाती है शिवरात्रि में? पीने वाले तो देखो शिवरात्रि हो या ना हो, जिनको पीना है खाना है वो तो सब तरफ से खा लेंगे, जिनको नहीं खाना वो ना शिवरात्रि में खाएंगे ना। और गुरु जी एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसा कि मैं पहले रहती थी एकादशी व्रत, अभी मैं बाहर पढ़ने के लिए गई हूँ तो ये सारा चीज़ हो नहीं पाता है, मतलब व्रत नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ नहीं हो पाता है और नहाने धोने को लेकर बहुत परेशानी होती है, तो मैं ये व्रत मैंने सोचा है मैं आगे जाके रहूँगी, जब कुछ बन जाऊँगी तो आगे जाके रहूंगी, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका कोई पाप कोई नहीं, नहीं अगर मैं बीच में, लेकिन वो जो बड़ा एकादशी होता है ना निराजली में वो हमेशा रहती हूँ। अच्छा तो अभी से कोई समस्या नहीं है? समस्या नहीं है बेटा, कोशिश करो कि हम एकादशी के दिन सिर्फ अन्न ना खाएं, फल खिस से पेट भर लें, बाकी पदार्थों से, और आपकी मजबूरी है तो कोई दिक्कत नहीं, चावल मत खाओ फिर। नहीं चावल तो नहीं खाते हैं। एकादशी का दिन होता है जो एक दिन पहले तिथि लगता है ऐसा कुछ होता है उसके पहले? जैसे दो एकादशी होती है ना, तो एक दसवीं युक्त एकादशी होती है, एक द्वादशी युक्त एकादशी होती है, तो जो द्वादशी युक्त एकादशी है वो करना चाहिए। आज वही है? हाँ आज वही है ठीक, बस इतना ही। राधे राधे महाराज।